हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ओप्पो की रेनो सीरीज़, जैसे कि आप सभी को पता है, ऑफलाइन सेंट्रिक सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है एंड इसी के साथ साथ काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन भी है। गाइज, इसी सीरीज़ के अंदर ना ओप्पो अपना नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, ओप्पो रेनो 7 सीरीज़। इसके अंदर हम लोगों को इंडिया में ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो देखने को मिल जाएगा। 4 फरवरी इसका लॉन्चिंग है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है एंड लॉन्च से पहले ही हर एक स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पे निकल के आ चुका है, जिसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे इस फ़ोन की प्राइसिंग, हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले और हर रोज़ मिल पाए। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ यार एक लाइक भी कर लेना, आपकी एक लाइक से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे ओप्पो रेनो 7 सीरीज़ के अंदर हम लोगों को टोटल 3 स्मार्टफोन देखने को मिलता है, ओप्पो रेनो 7 SE, ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो। लेकिन खाली 2 ही स्मार्टफोन जो है ना इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है, ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो। अब यहाँ पे SE के बारे में कुछ पता नहीं है कि इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन डेफिनेटली हम लोगों को 7 एंड 7 प्रो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले डिज़ाइन ना काफ़ी यूनिक देखने को मिलता है, यूनिक तो नहीं है, यहाँ पे बॉक्सी टाइप का आईफोन जैसा ही आप लोगों को डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। 7.4 mm का थिकनेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी पतला सा स्मार्टफोन हम लोगों को ओप्पो रेनो 7 सीरीज़ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्प्ले में हम लोगों को जो है सुपर एमोलेड 90Hz रिफ्रेश रेट दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा एंड पंच होल कटआउट के साथ सिंगल सेल्फी शूटर कैमरा। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ओप्पो रेनो 7 है ना, इसके अंदर हम लोगों को 6.43 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और अगर बातें करेंगे ओप्पो रेनो 7 प्रो की तो यहाँ पे हम लोगों को 6.55 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे पीछे हम लोगों को कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही ना नोटिफिकेशन के लिए LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूनिक लगा है मुझे। गाइस, इसी के साथ साथ अगर मेन प्राइमरी कैमरे के बारे में बातें करें तो ओप्पो रेनो 7 के अंदर हम लोगों को 64 मेगापिक्सल ट्रिपल लेयर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का हम लोगों को मैक्रो देखने को मिल जाएगा। ओप्पो रेनो 7 प्रो के अंदर हम लोगों को 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 कस्टम सेंसर के साथ मेन प्राइमरी शूटर देखने को मिलता है एंड बाकी यहाँ पे एडिशनल अल्ट्रा वाइड एंड यहाँ पे मैक्रो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे 32 मेगापिक्सल सिंगल सेल्फी शूटर कैमरे के साथ हम लोगों को देखने को मिलता है, और अगर बैटरी के बारे में बातें करें तो 4500 mAh का बैटरी विथ 65W फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट 3.5mm ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। दोस्तों, इसी के साथ साथ चिपसेट के बारे में अगर बातें करेंगे तो ओप्पो रेनो 7 इस फ़ोन के अंदर हम लोगों को स्नैपड्रैगन 778 5G देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ अगर प्रो की बातें करें तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 सीरीज मैक्स देखने को मिल जाएगा। गाइज, यहाँ पे इसी के साथ साथ इन दोनों फ़ोन्स के अंदर ही 8/128GB एंड 12/256GB इन दोनों वेरिएंट के अंदर हम लोगों को रैम रोम देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। साथ ही साथ कलर OS यूज़र इंटरफेस हम लोगों को 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह हम लोगों को ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो के अंदर देखने को मिल जाएगा। गाइज, अगर प्राइसिंग के बारे में बातें करें तो ओप्पो रेनो 7 स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है 40,000 के अंडर में, एंड दोस्तों इसी के साथ साथ 7 प्रो की प्राइस हम लोगों को इंडिया में देखने को मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली, अब मान के चलो 45 टू यहाँ पे 48,000 के आसपास में। हाँ, यहाँ पे प्राइसिंग काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना अपना थॉट, अपना ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में, क्या कुछ लगता है आपके हिसाब से। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।